कल मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही थी, तो मैंने NFC से ऑटो ली थी अपनी फ्रेंड के घर मालवीय नगर तक जाने के लिए। ऊबर से बुक की थी, आई गेस 441 के अराउंड की थी। तो मैं अकेली थी ऑटो में बैठी मैं, तो मैं बीच में बैठ गई थी, जनरली बैग टांग के जैसे बैठ जाते हैं, और मैं चलने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने रियलाइज़ किया, क्योंकि मैं सॉन्ग सुन रही थी, मेरा ध्यान नहीं था, रोड पे ध्यान था, मैंने रियलाइज़ किया कि लेफ़्ट वाले मिरर में कोई, वो मुझे बार बार देख रहा है। तो मेरे ब्रेस्ट वहाँ बहुत ज़्यादा विजिबल हो रहे थे, एनलार्ज ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं, तो वो वहाँ पे देख रहा था। उसका लेफ़्ट लेग ऊपर था, एक हाथ से वो ड्राइव कर रहा था, राइट लेग नीचे था। तो मैंने जैसे ही ये देखा तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो गई, तो मैं थोड़ा सा साइड हो गई टुवर्ड्स राइट। उसने फिर क्या किया, उसने देखा कि उधर नहीं दिख रही हूँ, तो उसने अपना फिर राइट लेग ऊपर किया, लेफ़्ट वाला नीचे किया, फिर लेफ़्ट हैंड से ऑटो चलाने लगा और फिर राइट साइड वाले मिरर में देखने लगा। तो फिर मैं और ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गई कि ये मतलब चल क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं चलती ऑटो से उतरूँ क्या करूँ, क्योंकि फ्लाईओवर था वो। उसके बाद मैं एक्सट्रीम लेफ़्ट में शिफ्ट हो गई कि अगर मुझे इनकेस हेल्प मांगनी पड़े, क्योंकि आई वॉज़ नॉट श्योर कि ये सही बंदा है या नहीं। तो मैं एक्सट्रीम लेफ़्ट में शिफ्ट हो गई अपने बैग के साथ, तो ही टर्नड अराउंड, क्योंकि उसको मैं दोनों में से किसी भी मिरर में नहीं दिखी, ही टर्नड अराउंड और बार बार फिर वो देखता रहा। मैंने उसको बोला कि भाई आगे देख के आप गाड़ी चलाओ, मैं कंप्लेन कर दूँगी। तो ही सेड हाँ कर दो। मैंने उसको पूछा पक्का कर दूँ मैं कंप्लेन, तो ही सेड हाँ हाँ कर दो। तो फिर मैंने ऊबर की ऐप खोली, उस टाइम मुझे जो दिमाग में आया, और मैंने सेफ्टी इनका कुछ वो है ऑप्शन है वहाँ पे राइट के साथ, उस पर मैंने क्लिक किया। तो जब क्लिक किया तो वहाँ पे वो मुझे एक नंबर पे वो कॉल लग गई, और वहाँ से बहुत डिस्टॉर्टेड सी आवाज़ आ रही थी, एक तो रोबोटिक थी कि डायल 1 2 3 ऐसा कुछ था, तो वो मुझे समझ में नहीं आया और नेटवर्क बहुत फ्लक्चुएट कर रहे थे, तो मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। तो आई गेस 25 सेकेंड्स वो कॉल चली। दूसरी कॉल मैंने फिर से करी ऊबर को, तो वो 17 सेकंड्स चली, बट मुझे उन 17 सेकंड्स कुछ भी नहीं सुनाई दिया, और उनकी ऐप पे भी आ रहा था दिस ट्रिप माइट बी आउटडेटेड ड्यू टू पुअर नेटवर्क, ऐसे उनका वो भी लिखा हुआ आ रहा था। फिर उसके बाद मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। फिर मुझे ध्यान है, मैंने कहा अच्छा वीडियो बना लेती हूँ उसका, कि एटलीस्ट मेरे पास कुछ प्रूफ होगा अपनी बात रखने के लिए। तो मैंने उसको वीडियो पे बोला कि मैं जो हूँ तुम्हारी कंप्लेन कर दूँ, तो ही सेड कि हाँ कर दो, मतलब वीडियो में ऐसे नॉड कर रहा है वो। तो आई सेड ओके, मैंने कहा तुम आगे देख के गाड़ी चलाओ, तब से तुम बार बार पीछे देख रहे हो। तो फिर वो, और मैंने वीडियो ऑफ कर दी। 5-7 मिनट बाद ही वो मालवे नगर आ गया था, मैं देख रही थी कि किधर मुझे जाना है। और उसके बाद फिर मैं उतर गई हूँ, उतर के मैंने गाड़ी की फ़ोटो खींची है, उसकी ड्राइवर की फ़ोटो क्लिक की है, और फिर उसके बाद मैं चली गई अपनी फ्रेंड के घर। मैंने रात में ट्वीट किया है इस रिगार्डिंग, फिर वो ट्वीट एम्पलीफाई हो गया, और उसके बाद मतलब मुझसे डेली वुमेन कमीशन ने फॉलो अप लिया। फिर उसके बाद मैंने उनको वर्बल कंप्लेंट रजिस्टर कराई, और मतलब वो वर्बल कंप्लेंट आज रजिस्टर हुई है, आज उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया है। तो आज वर्बल कंप्लेंट रजिस्टर करी, फिर थोड़ी देर बाद रिटन कंप्लेंट रजिस्टर करी, बोथ लिविंग पॉजिटिव करके उनकी एक आईडी है उस पे, और स्वाति मालीवाल की आईडी पे। और उसके बाद उन्होंने जो भी फॉलो अप लिया फिर, और उसके बाद फिर मैं पुलिस कंप्लेंट लिखवाने आई। दिल्ली पुलिस ने मेरी जो कंप्लेंट है उसको FIR में कह रहे हैं कि कन्वर्ट कर देंगे, कल मजिस्ट्रेट के सामने पेशी है, ये उन्होंने बोला है। अभी मुझे सेक्शंस क्लियर नहीं है कि किन सेक्शंस के अंडर वो उसको लेंगे ऊबर ड्राइवर को, और प्लस मैंने 2 ट्विटर यूज़र्स के अगेंस्ट भी कंप्लेंट रेज की है, और अपनी FIR में भी लिखा है, DCW को भी लिखा है, तो उनके अगेंस्ट भी देखते हैं कि क्या होता है। उन्होंने, एक ने तो ल्यूड कमेंट्स पास किए ऑन माय मॉडेस्टी, और सेकंड कमेंटेड ऑन माय रिलीजन। तो अभी देखते हैं, अभी सब प्रोग्रेस में है, देखते हैं क्या होता है।